नमस्कार, हमारे चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो ये देखिए दोस्तों, अभी मैं खेत से ताजे गाजर खोद के लाई हूँ, आप लोग देख लीजिए। पत्ते हमने निकाल दिए हैं, रेशा साफ करके अच्छे तरीके से धो लिया है। अब इसे करेंगे कद्दूकस। आप लोग देख सकते हैं ताजी मिट्टी लगी हुई है और हमने अच्छे तरीके से साफ कर लिया है। जो पत्ते हैं हम भैंस को दे देंगे खाने के लिए। गाजर को कद्दू करके फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, जो मोटी मोटी गाजर है हमने कद्दूकस कर लिया है, थोड़ा और बाकी है, हमने ज़रूरत के हिसाब से अपने कर लिया है। और ये देखिए मैं बड़े वाले छेद से कर रही हूँ, आप छोटे या बड़े वाले से आप कर सकते हैं। ज़रूरत पर हमने गाजर को घिस लिए है। हलवा बनाने के लिए हमने क्या क्या सामग्री लिया हुआ है आप लोग देख लीजिए। गाजर तो हमने घिस लिया है, आप लोग देख ही रहे हैं। शुद्ध भैंस का दूध का हमने खोआ जलाया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। मीठा के अनुसार डालेंगे चीनी। ड्राई फ्रूट में हमने बादाम लिया है, इसे कट कर लिया है, और छुहाड़ा लिया है। आप चाहे जो भी ड्राई फ्रूट डालना चाहें तो डाल सकते हैं। और हमने देसी घी लिया है। चलिए गाजर का हलवा बनाना स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर बने रहिएगा। चूल्हे में हमने आग जला दी है, अब इस पर रखेंगे कढ़ाई। बढ़िया से गरम करना है। कढ़ाई बढ़िया से गरम हो गई है, अब इसमें डालेंगे देसी घी। घी अच्छे से पिघल गया है, कद्दूकस किया हुआ। अब डालेंगे गाजर। सारे गाजर को हमने डाल दिया है। प्लीज दोस्तों, आप लोग यकीन मानिए, एक गाजर खाने में बहुत ही मीठा है। लगभग हम इसे 10 मिनट के लिए इसी तरीके से घी में भूनेंगे। थाली से ढक देना है, थाली हटा के चेक कर लेना है। ये देखिए दोस्तों, लगभग गलना स्टार्ट हो गया है, अभी इसे चला दे रही हूँ। गाजर का कलर चेंज हो गया है, आप लोग देख सकते हैं। अब डालेंगे शक्कर। चीनी डाल दे रही हूँ, अब इसे चला देना है। चला के थाली से ढक के लगभग 10 मिनट के लिए और पकाएंगे, उसके बाद में खोया हुआ डालेंगे। ये देखिए अभी चीनी पूरी तरह से गली नहीं है, फिर भी बहुत बढ़िया से पानी छोड़ दिया है, इसके पानी से पकेगा गाजर। दस बारह मिनट के बाद इसे चेक करेंगे। ये देखिए पूरी तरह से पक रहा है, इसे चला देना है। अब डालेंगे मावा, आप इसकी जगह दूध भी डाल सकते हैं। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे इसे। दूध रहता है तो दोस्तों गाजर का हलवा बनाने में बहुत समय लगता है सूखने में, इसके लिए मैं पहले से तैयारी करके तब बना रही हूँ, आप लोग देख ही रहे हैं। चीनी और गाजर जो पानी छोड़ा है एकदम अच्छे तरीके से सुखा देंगे, ताकि खूब टेस्टी और अच्छा लगे खाने में। लगभग 15-20 मिनट के लिए इसे पकाएंगे, तो चलिए थोड़ी देर वेट करिएगा। तेजी आंच पे मैं पका रही हूँ। घी का बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है। अब डालना है ड्राई फ्रूट। गाजर के हलवा में चला के मिक्स कर देंगे। गर्मा गर्म स्पेशल हलवा गाजर का बनके तैयार है, आप लोग देख सकते हैं। मैंने बहुत ही अच्छे और सरल तरीके से बताया है बनाने के लिए। आप लोग देख सकते हैं एकदम कढ़ाई में लगने लगा है, सारा पानी सूख गया है, ये देखिए। एक बार बनाएं इस तरीके से, बार बार खाएं। दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को आगे अपने परिवार और दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। इसी तरीके से मिलते हैं और भी न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बने रहिएगा चैनल पर। बाय बाय दोस्तों।